चुनाव का शंखनाद है श्रीकांत भाई आ गए सर, चुनाव का शंखनाद किया है आज हरिनगर में। भाई निश्चित रूप से चुनाव आया है तो शंखनाद हो ही गया और शंखनाद हो चुका है, और नड्डा जी का शंखनाद जब हुआ है तो नड्डा जी बिहारी भी है, और आप जान लीजिए कि बिहार के लफ्ज को भी जानते हैं दे, और बिहार के विपक्ष का धड़कन बढ़ गया है। तो क्या इस बार के चुनाव में जेपी नड्डा का प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से, जेपी नड्डा छात्र जीवन से बचपन से बिताया और बिहार एक असली बिहारी की भूमिका उनकी रही है। लेकिन जेपी नड्डा सीसीए एनआरसी पर कुछ नहीं बोले, सीसीए एनआरसी पर चर्चा भी नहीं की। भाई सीसीए पर तो हो गया है, उस पर चर्चा काहे करना है, जो हो गया है हो गया है, उस पर चर्चा कर नहीं कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं थी। आज का कार्यक्रम दूसरी चीज का था। तो आपने देखा कि अश्विनी चौबे का कहना है कि अब सीसीए एनआरसी पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून लागू हो चुका है, उस पर विपक्ष केवल अफवाह फैला रहा है। तो ये तस्वीर है बीजेपी के दफ्तर की, जहां पर किसी भी बीजेपी के नेता मंत्री से बातचीत करना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, काफ़ी उत्साहित हैं और अपने नेताओं से मिलने के लिए किस तरह से भाग दौड़ मचाए हुए हैं। तो ऐसे में किसी भी नेता से बातचीत करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी हमने कोशिश की है कि आप तक उनकी बात पहुंचाई जाए। अगर ये तस्वीर बीजेपी दफ्तर के बाहर की आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।